हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सेमेस्टर रिजल्ट्स को हम किस तरीके से चेक करते हैं और कैसे, कौन से ऑप्शन में जाना है, कहाँ पे ये ऑप्शन है इस पूरे वेबसाइट में। तो बहुत से फ्रेशर्स स्टूडेंट्स को बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करना जो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने BBAU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, उसके बाद आपको स्टूडेंट के सेक्शन में जाना है। स्टूडेंट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सेमेस्टर रिजल्ट दिया हुआ है, सेमेस्टर रिजल्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट आईडी क्या होता है, पासवर्ड हमको किस तरीके से चेक करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका रोल नंबर होगा, उसको आपको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के फॉर्म में फिल करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपका, अगर आप 18 में एडमिशन लिए होंगे, 19 में एडमिशन लिए होंगे, तो आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा और जो रोल नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। वही पासवर्ड यहाँ पे आप चेंज करना, फिल करना, जो आपका रोल नंबर होगा वही आपका पासवर्ड होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ पे जाके रीसेट का ऑप्शन आएगा, उस चीज़ को आप वहाँ पे सॉरी अपने पासवर्ड को रीसेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर यूज़ में आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बताने वाला था। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ आई एम गोइंग टू बाइंड दिस सेशन, बाइंड दिस वीडियो, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, टेक केयर।